क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के बाद दूसरा सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान, प्रभु का पवित्र वचन और कलीसिया हमें अवसर देती है कि हम प्रभु के प्रेम में बढ़ें। जिस बालक यीशु को हमने पाया है, जिस बालक यीशु को हमने ग्रहण किया है, उसी के प्रेम में बढ़ें, उनकी शिक्षा में आगे बढ़ें। ये अवसर हमें पाठ के द्वारा मिलता है। आइए, जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम भाग ले रहे हैं, सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करें। जब हम तैयारियां करते हैं, निश्चय ही प्रभु को देख पाते हैं, प्रभु को स्वीकार और ग्रहण कर पाते हैं, और कलीसिया और ईश्वर हमें और हमसे यही चाहते हैं कि हम प्रभु का दर्शन हमेशा करते रहें और उसके द्वारा अपने जीवन में बदलाव लाते रहें। तो आइए कुछ पल हम अपने आंखें बंद करें। आंखें बंद कीजिए, प्रभु के नज़दीक और करीब आइए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। जैसे हम प्रकाश में आते हैं, उजियारा में आते हैं, हम अपने आप को जान पाते हैं, अपने बारे में परख कर पाते हैं कि मेरे जीवन में कमियां क्या हैं, अधूरापन क्या है, पाप क्या है, सब कुछ को जान पाते हैं, क्योंकि प्रकाश में सब आते हैं। हम सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 13 में पढ़ते हैं, वचन इस प्रकार है, जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। जी हाँ, हम प्रभु के प्रेम को अनुभव करते हुए प्रभु के प्रेम में बढ़ना चाहते हैं। आइए सारे पापों को याद करें जो मन से, विचार से, दृष्टि से, जुबान से किए हैं। सारे पापों के प्रति पश्चाताप करें, माफी मांगे और क्षमा याचना का गीत गाएं।
तू बचा ले, ईस्त मुझे तू वर दे, पाप से मुझको बचा ले। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी और उमंग के साथ महिमा का गीत गाएं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, इस दिन तूने तारे के माध्यम से राष्ट्रों के समक्ष अपने इकलौते पुत्र को प्रकट किया। हम सब विश्वास के द्वारा तुझे जान चुके हैं। तेरी दया से हम स्वर्ग में तेरे तेजोमय मुखमंडल का दर्शन कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायस का ग्रंथ, अध्याय 60, पद संख्या 1-6 तक। प्रभु की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। यरूशलेम
उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है, तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं, लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी, तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों की धन दौलत तेरे पास आ जाएगी। ऊँटों के झुंड और मिद्यान तथा एफा की सारणियाँ तुझ में उमड़ पड़ेंगी। शेबा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन दूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन दूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, पहरा देने चारों स्वर्गदूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। शैतान के सब फंदों से हम दुबलों को तुम बचा लेना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन दूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, साथी और सहारा बन हम संग संग चलना सिखा देना। साथी और सहारा बन हम संग संग चलना सिखा देना। एक दूजे को साया देने एकता का तुम भर देना। संग संग चलना सिखा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन दूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन दूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। दूसरा पाठ, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 2-3, अध्याय 5 पद संख्या 6 तक। अब यह प्रकट किया गया है कि गैर यहूदी क्रिस्त विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर
वह रहस्य प्रकट किया है जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था, और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक शरीर के अंग हैं और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ के साथ। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय दो वाक्यांश 1-12 तक। हम राजा की आराधना करने के लिए पूरब से आए हुए हैं। यीशु का जन्म यहूदिया के बैतलहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूरब से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बैतलहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इसराइल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बैतलहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चले गए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चल रहा था और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उनकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना लोबान और गंदरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। या प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु प्रकाश का त्यौहार मनाती है। प्रभु प्रकाश का दूसरा नाम
एफेफानी और जिसका अर्थ है प्रकट किया जाना या प्रकाश में लाया जाना। जो छिपा हुआ है, जो अदृश्य है, उसे प्रकाश में लाया जाना। अदृश्य कौन है? अदृश्य ईश्वर है, अदृश्य परमेश्वर है, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जिनका हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, बल्कि अनुभव और एहसास कर सकते हैं। वही परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। हालांकि जब हम वचन को पढ़ते हैं, विशेष करके पुराने व्यवस्थान को, परमेश्वर के बारे में हम अवगत होते हैं कि परमेश्वर सदियों से अपने आप को प्रकट करते आ रहे हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय, अलग अलग व्यक्तियों को और नबियों को भी प्रकट करते आ रहे हैं। और इसके विषय में हमें बाइबल में संदेश मिलता है। विशेष करके हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 21 में। वहाँ पे वचन इस प्रकार है, प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था, जिसे वे दिन और रात में यात्रा कर सके। यानी कि इजरायली जनता जब यात्रा कर रही थी, परमेश्वर अपने आप को बादल और अग्नि के रूप में प्रकट करते हैं और जनता प्रभु की उपस्थिति में रहती है, यात्रा करती है। ये एक चिन्ह है कि परमेश्वर अपने आप को बादल और अग्नि के द्वारा प्रकट करते हैं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 22 में पुनः कहा गया है, दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि स्तंभ लोगों के सामने बराबर बना रहता था। यानी कि निरंतर बादल और अग्नि जनता के साथ रहा करता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने आप को प्रकट करते हैं, वस्तुओं के द्वारा, चीज़ों के द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, परमेश्वर मूसा से वार्तालाप करते हुए अपने आप को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मैं सत्य हूँ। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, जाइए अपने इसराइली भाइयों से कहिए कि जिसने मुझे भेजा है वह सत्य है। परमेश्वर अपने आप को सत्य कहते हैं, सत्य के रूप में प्रकट करते हैं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, पुनः प्रभु के बारे में बताया गया है। वचन इस प्रकार है, गन्ना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूँ और स्वप्नों में उनसे बातें करता हूँ। प्रभु कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे नबियों को दिव्य दृश्यों में दिखाई देता हूँ और स्वप्नों में उनसे बातें करता हूँ। तो इस तरह से हम वचन के द्वारा हमारे लिए संदेश मिलता है कि परमेश्वर शुरू से, आदि काल से अपने आप को प्रकट करते हैं, कभी बादल के रूप में, कभी अग्नि के रूप में, कभी अपने आप को सत्य बोलते हैं, पवित्र बोलते हैं, और कभी दर्शनों के माध्यम से, और कभी स्वप्न के द्वारा प्रकट करते हैं। लेकिन क्या जनता परमेश्वर को समझ पाई या नहीं, इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने समझा और इसलिए परमेश्वर पर विश्वास किया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु प्रकाश का त्यौहार मनाते हैं तो हम प्रभु के बारे में जानते हैं, क्योंकि प्रभु अपने आप को अंतिम में पुत्र के द्वारा प्रकट करते हैं। अपने पुत्र यीशु मसीह, बालक यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं और इसी का त्यौहार आज मनाते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 9 में पढ़ते हैं, वचन इस प्रकार है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लोगों को बताते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, जो मेरी सुनता है वह पिता की सुनता है। तो एक तरह से पिता और पुत्र एक हैं, उसके बारे में वचन दर्शाता है। इसके विषय में आगे हम पढ़ेंगे योहन के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 30 में, स्वयं प्रभु कहते हैं, मैं और पिता एक हैं, मैं और पिता एक हैं, और इसलिए पुत्र के द्वारा ईश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। आगे वचन में पढ़ेंगे योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 18 में, वचन इस प्रकार है, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। अर्थात यीशु मसीह, बालक यीशु, पिता को प्रकट किया है। तो ये प्रभु प्रकाश का त्यौहार
इस बात को दर्शाता है कि पिता पुत्र के द्वारा प्रकट किया है और पिता अपने पुत्र को हमारे लिए प्रकट किया है। आगे हम वचन में पढ़े, विशेष करके सुसमाचार में हम लोगों ने देखा तीन ज्योतिषियों के बारे में, यानी कि जो प्रकट हुआ है उसको देखने के लिए, उसको दर्शन करने के लिए अलग अलग देशों से तीन ज्योतिषी आते हैं। और जब हम ज्योतिषियों के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो मुख्य रूप से तीन बातों पर मनन चिंतन कर सकते हैं, और उनमें से पहला है ज्योतिषियों के मन और हृदय में एक तीव्र इच्छा थी कि वे नवजात शिशु को अर्थात मुक्तिदाता यीशु को देखें, और इसलिए अपने देश, अपने शहर, अपने नगर, अपने जगह को छोड़कर अब यीशु की ओर आते हैं। बालक यीशु की ओर आते हैं, नवजात शिशु की ओर आते हैं, मुक्तिदाता यीशु की ओर आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि वे देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं। संदेश हमारे लिए यही है कि प्रभु हमारे लिए आ चुके हैं, हमारे बीच में प्रकट हो चुके हैं। क्या हम दर्शन करना चाहते हैं? क्या ज्योतिषों की तरह हमारे अंदर में तीव्र इच्छा है? ये हमें पूछने की जरूरत है। यदि इच्छा है तो निश्चय ही हम प्रभु को दर्शन करेंगे। आज हम देखते हैं विशेष करके विश्वासियों के जीवन में, हमारे जीवन में भी कभी कभी ये इच्छा कम होती जाती है, उतनी इच्छा नहीं होती है जितना होना चाहिए, और वजह यही होता है कि हम प्रभु का दर्शन करने से चूक जाते हैं। संदेश हमारे लिए यह है कि हमारे अंदर में विशेष करके विश्वास और आध्यात्मिकता को बढ़ाने की जरूरत है, पवित्रता को बढ़ाने की जरूरत है, और इसके जरिए हम प्रभु को दर्शन कर पाएंगे, देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। और इसलिए हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:8 में पढ़ते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, जिनका मन स्वस्थ है, ईश्वर का दर्शन करेंगे। दूसरे बिंदु पर हम मनन चिंतन करते हैं और वह है विनम्रता। ज्योतिषियों के बारे में जब हम मनन चिंतन करेंगे, वे ज्ञानी थे और इसलिए तारों के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और तारों को देख देख कर उनका अनुसरण करते हुए सही जगह पे आते हैं, और उसको जानने और परखने का वरदान ईश्वर के द्वारा उन्हें मिला था। संसार में सबसे ज्ञानी यही व्यक्ति होते हैं। इतना बड़ा और इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी अपने आप में नम्रता को लाते हैं, और इसलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं, उनके विषय में पढ़ते हैं, जब यात्रा करते हैं, राह खो जाते हैं, तो आपस में बातें करते हैं, यहाँ तक कि लोगों को पूछते हैं कि नवजात शिशु का जन्म कहाँ हुआ है, हमें बताइए। ये क्या दर्शाता है? एक तरह से नम्रता को दर्शाता है। किसी भी कैटेगरी के लोगों के साथ झुकने के लिए तैयार हैं, इसलिए क्योंकि वे देखना चाहते हैं, प्रभु येसु से मिलना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जब राजा हेरोद के पास में आते हैं, राजा हेरोद से भी पूछते हैं कि नवजात यीशु का जन्म कहाँ हुआ है, हमें बताइए, ताकि हम उनका दर्शन और अपना उपहार प्रकट कर सकें। एक तरह से उनके जीवन में जो नम्रता है उसे प्रकट करते हैं। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु प्रकाश का त्यौहार मनाते हैं और विशेष करके इन तीन ज्योतिषियों के बारे में मनन चिंतन करते हैं, तो आइए हम उनके एक गुण जो विनम्रता है उसे धारण करने की कष्ट और कृपा करें। जब हम करेंगे तो निश्चय ही हम उनके जगह को ले पाएंगे या उनके जगह में हम खड़े हो पाएंगे और अंत में यीशु का दर्शन कर पाएंगे। तीसरा बिंदु पर हम मनन चिंतन करेंगे और वह यह है समर्पित और समर्पित करना या समर्पण। ज्योतिषियों को देखिए, वे जब अपने अपने शहर से आते हैं, दूर देश से आते हैं, खाली हाथ आते नहीं हैं, बल्कि उनके मन में यीशु के बारे में इच्छा लगी थी, जगी थी कि हम यीशु का दर्शन करेंगे या देखेंगे, अनुभव करेंगे। खाली हाथ आते नहीं हैं, बल्कि अपने साथ मूल्यवान चीज़ों को, कीमती चीज़ों को, प्रिय चीज़ों को लेके आते हैं और उस बालक यीशु, नवजात शिशु को चढ़ाते हैं। कोई सोना, कोई लोवान और कोई गंधरस देते हैं। लेकिन हमें याद करने की बात यह है, जब उपहार प्रकट करने से पहले
देने से पहले सबसे पहले वे नवजात शिशु को दंडवत करते हैं, झुककर दंडवत और नमन करते हैं। ये दर्शाता है कि उन्होंने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखा ही नहीं, दर्शन ही नहीं किया, बल्कि अपने जीवन में निर्णय लेते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए समर्पित है, हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए समर्पित है। तो ये हमारे लिए संदेश है, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाए हैं, आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारा संपूर्ण जीवन को समर्पित करें। जब हम समर्पित करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में राज करेंगे और उनका राज्य शांति का राज्य होगा, न्याय का राज्य होगा, धार्मिकता और पवित्रता का राज्य होगा, न्याय का राज्य होगा। आइए इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं इस त्यौहार पर, प्रभु प्रकाश का त्यौहार पर। इसके लिए माता मरियम, यूसुफ, कलीसिया और ईश्वर हमारे साथ रहे, हमें सहयोग दें। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए, हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है, वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है, वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरितिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ, मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की वाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की भलाई और दयालुता प्रकट हुई है। हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि उनकी दयालुता पर भरोसा रखकर दीनतापूर्वक प्रार्थना करें। आपका अनुवाद क्या होगा? हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम इस नव वर्ष में हम प्रार्थना करते हैं हमारे कैथोलिक कलीसिया के लिए, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे कलीसिया रूपी परिवार को पवित्र आत्मा से संचालित करे और कलीसिया में प्रेम एकता बनी रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु दया कर। हम संसार के हरेक रोगियों को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श करें ताकि वे स्वस्थ होकर आपकी महिमा कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु दया कर। हम हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करें, प्रभु उन्हें प्रज्ञा एवं विवेक प्रदान करें और वे देश को इस वर्ष अच्छे से चला पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु दया कर। हम संसार के सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु 2022 में उन्हें अपने प्यार से भरे और वे अपने गलत मार्ग को त्याग कर
जीवन में आगे बढ़े, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु दया कर। हम वर्ष 2021 के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हम सबों को सुरक्षित रखा और आने वाले नव वर्ष के लिए 2022 के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इस वर्ष सभी तरह के महामारियों से देश को संरक्षण प्रदान करें और सबों को स्वस्थ और सकुशल रखें, इसके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, कुंवारी मरियम ने ईश्वर तथा मनुष्य को अपने निष्कलंक गर्भ में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। उनकी मध्यस्थता द्वारा तेरे भक्तों की प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख पहुँचे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के इन दानों पर दया दृष्टि डाल। अब हम तुझसे सोना, लोबान और गंधरस के उपहार नहीं चढ़ाते हैं, ये तो हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के प्रतीक मात्र हैं। हम तुझे स्वयं प्रभु क्रिस्त को अर्पित करते हैं, जो हमारी बलि और भोजन बन गए हैं। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने क्रिस्त में आज हमारी मुक्ति के रहस्य को राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया है, और जब ये हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तो तूने इनकी अविनाशी महिमा द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन, अति पावन, प्रभु ईश्वर, अति ईश्वर। पावन, अति पावन, ईश्वर की।
पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष योजिन जोसेफ और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलिसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रियक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हावे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरा स्वर्गिक प्रकाश सदा और सर्वत्र हमारे आगे आगे चमकता रहे, ताकि हम पवित्र यूक्रिस्त का रहस्य गहराई से समझ पाएं और उसे श्रद्धा एवं सच्चे प्रेम से ग्रहण करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाएं। ईश्वर को धन्यवाद। देखो चरनी में यहूदा नगरी में।